For example, let me tell you, when we are talking of floodplain, what we are actually saying is the groundwater recharge, because that's the place from where the ground recharge takes place. Yes. So once we are talking of that, we are actually talking of groundwater recharge, that area. Now, if the conservation of water or sensible use of water is a separate point, which we can certainly add separately, but then are we going to say it should be drip irrigation or I'm saying active promotion of irrigation methods that avoid wasteful use of water in agriculture. Is that? Can you appropriate irrigation methods? Huh? अंडरग्राउंड जमीन में ये जो रिवर्स बोरिंग करके पानी डालते रहे गंगा घाटी के किनारे किनारे जो शहर है बड़े वहां पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है उसका दुरुपयोग करके लोग नीचे जमीन में 300 फीट 600 फीट नीचे जमीन में गंदा पानी डाल दे रहे हैं बोरवेल के थ्रू और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है पूरे देश में उसके थ्रू उसमें डाल दे रहे हैं। तो जब इरिगेशन की बात आ रही है तो आपको ये भी ध्यान रखना होना चाहिए कि गंगा घाटी के आसपास जो भूमि का जल है जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको कंटामिनेट न किया जाए। नहीं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ जैसे हम अंडरग्राउंड वाटर के बारे में बात कर रहे हैं वो पूरे एक बहुत बड़ा विषय नहीं है अपने में। अगर हम अपने को सीमित रखे हैं गंगा और यमुना के बारे में तो फिर हम जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात कर रहे हैं क्या हम गंगा और यमुना से संबंधित नहीं? एक खतरा ये था कि जो ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं ऐसा देखने में आया है और सरकार की और गैर सरकारी दोनों तरह की सर्वे रिपोर्ट है। आपकी बात से सहमत हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज की जब हम बात करें तो हम किस संदर्भ में बात करें? अभी लेकिन उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जब आप पानी पीने की बात करते हैं तो फ्लड प्लेन के अंदर से ये भी बात होती है कि फ्लड प्लेन में अगर आप छोटे से बोरवेल लगा दें तो वहाँ से पानी पीने के लिए लोगों को शुद्ध जल मिल सकता है। ये कंसेप्ट भी वहाँ पर है कि पानी पीने का कहाँ से मिलेगा उनको? नहीं, पानी पीने के खींचने की बात नहीं हो रही, वो गंदा पानी जमीन के अंदर न डालें इस खतरे को देखने की बात है कि वो 300 फीट नीचे डाल के जैसे कानपुर में टेनी है 600 टेनी है 400 टेनी है वो गंगा में पानी नहीं डालते अंडरग्राउंड वाटर में डाल देते हैं। डिफरेंट ना प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन गंगा कैचमेंट एरिया। जी जी, ये ऐसा होना चाहिए, इसको इंक्लूड किया जा रहा है, उसको उस तरीके से इंक्लूड करेंगे। तो अंडरग्राउंड वाटर हैज व्हाट एन इफेक्ट ऑन द फ्लो ऑफ गंगा। When you are talking of floodplain area, when you are talking of plantation, essentially what you are saying is because of that retention of water will increase and water will ultimately go into the river. We are talking of an integrated concept. See, everything is connected with each other. So we are not actually, each point is not different. It's not separate. It is integrated concept. इसी के साथ उसको इंक्लूड कर लिया जाए। और एक सवाल दो दिन से उठ रहा था कि जो मनरेगा के तहत तालाब खोदे जा रहे हैं पूरे देश में तो वो गंगा घाटी प्राधिकरण के आसपास उनकी क्लोज गंगा बेसिन अथॉरिटी को करनी चाहिए, ऐसे अधिकार हो और ये महापंचायत फैसला करे। पहले जो ग्राउंड वाटर की बात आ रही है इसके अंदर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ग्राउंड वाटर की बात को कर देते हैं कि जो की प्रायोरिटी के ऊपर पहला ह्यूमन के लिए ड्रिंकिंग वाटर के वाटर पॉलिसी के। एक बात रहेगी अपने बीच में, वो ग्राउंड वाटर पर पहुंच गए उसके पहले एक पॉइंट था उस पर डिस्कशन ही नहीं हुआ, वो पोल्यूशन और पनिशमेंट और जो कुछ भी पॉइंट था।